हेलो दोस्तों, कैसे हैं? वेलकम टू स्टडी विद रजत राजपुरी। और आज की हमारी क्लास है टाइम एंड वर्क से रिलेटिव। और आज हम टाइम एंड वर्क से रिलेटिव कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, ये सभी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। यूपीएससी, सीसैट, एसएससी, एसएससी के सभी एग्ज़ाम्स में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। बैंकिंग, रेलवेज़ वगैरह सभी अदर कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है। कोई व्यक्ति ए व्यक्ति कोई ए व्यक्ति किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है। यानी कि कोई ए व्यक्ति है, उस कार्य को पूरा करने में 12 दिन का समय लेता है। तथा कोई व्यक्ति बी उसी कार्य को पूरा करने में 15 दिन का समय लेता है। बी उसी कार्य को 15 दिन का समय लेता है। ओके, ए कार्य करने को 12 दिन का समय लेता है, बी कार्य करने में 15 दिन का समय लेता है। तो बताओ दोनों मिलकर, यानी कि ए प्लस बी, यानी कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। चलिए हम देखते हैं। इसे करने के लिए हमने आपको बताया कि सबसे पहले हमें एलसीएम आना चाहिए। ठीक है, और एलसीएम आने के लिए देखो, जो एलसीएम करेंगे 12 और 15 का, 2 से डिवाइड करेंगे। क्या है, 2 से डिवाइड हो जाएगा? जी, 6 टाइम 15 नहीं होगा। 2 से करो 3 15 एज इट इज़। 3 से करो 1 5 टाइम ये भी हो जाएगा, ये 5 से 1 1। तो 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12 5 ज़ा 16। हमारे पास जो एलसीएम आया वो 16 आया है। तो 16 एलसीएम आया है हमारे पास में, 16। मान लीजिए पूरा कार्य कितना है, 16 है। तो 12 16 को कितनी बार डिवाइड करता है? 12 16 को तो करता है 5 टाइम। 15 60 को कितनी बार डिवाइड करेगा? 15 चौका 60। इसने कहा है कि ए और बी मिलकर उस कार्य को पूरा कितने दिन में करेंगे। तो ए और बी, तो देखो टोटल कार्य 60 है। ए ने करा 5 दिन में, बी ने करा 4 दिन में। तो 5 और 4 कितने हो जाएंगे? 5 प्लस 4 हम लिखेंगे, 16 अपॉन 5 प्लस 4 कितना होगा? 9। तो 16 अपॉन 9 हमें लगेगा दिन। ठीक है, ये हमारा आ गया जी इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, दो व्यक्ति ए और बी किसी कार्य को बी 15 दिन में पूरा करते हैं। ये मतलब दो व्यक्ति है ए और बी मिलकर कर रहे हैं कितने दिन में? 15 दिन में, 15 डेज में। और ए अकेला उसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है। ए अकेला उसे कितने दिन में करता है? 20 दिन में करता है। ठीक है, अब बताइए, देखो इसने पूछा है बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। बी अकेला उसे कितने दिन में करेगा? सेम वही प्रोसेसर, 15 और 20 का हम एलसीएम लेंगे। 15 और 20 का जब एलसीएम लिया जाएगा, वो भी हमारे पास में कितना आएगा? 60। ठीक है, इसे करके देख लीजिएगा। अब 15 16 को कितनी बार काटता है? 4 बार। 20 16 को कितनी बार काटता है? 3 बार। इसने कहा है बी, बी कितने दिन में पूरा करेगा? एक ए काटता है, ए और बी मिलकर 15 दिन में, ए करता है 20 दिन में। दोनों का एलसीएम आया 60, 15 और 20 का आया 60, 15 15 चौका 60 और 20 30 60। ठीक है, इसने कहा बी बी कितने दिन में पूरा करेगा। तो देखो जरा, अब हम ए प्लस बी में से जब हम ए को माइनस करेंगे तब हमारे पास बी आएगा। मान लीजिए तो बी के लिए जो वर्क आएगा वो कितना आएगा? टोटल वर्क तो 60 है, तो डेज कितने लगेंगे? ये इसमें से माइनस करके, यानी कि 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 16 अपॉन 1, यानी कि 16 डेज, यानी कि 60 दिन में बी अपने कार्य को कंप्लीट कर लेगा। बी को कार्य करने में कितना समय लगेगा? दोबारा देखते हैं, ए प्लस बी 15 दिन में, ए अकेला 20 दिन में, दोनों का एलसीएम 60 आता है। अब 15 60 को कितनी बार? 4 बार डिवाइड करता है। 20 60 को 3 बार डिवाइड करता है। बी अकेला कितने दिन में कार्य करेगा? बी अकेला कितने दिन में करेगा? ए प्लस बी में से ए माइनस करेंगे तब बी आएगा हमारे पास में। तो बी निकालने का टोटल वर्क 60 था, तो टोटल, तो ए 4 माइनस 3 जब हमने करा कितना आएगा? 4 माइनस 3 आया 1, तो 60 बटा 1, यानी कि बी को कार्य करने में पूरा कितना समय लगेगा? 60 दिन। चलिए थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं, जरा देखते थर्ड क्वेश्चन।
ए अकेला किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है। ए अकेला किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है। बी अकेला उसी कार्य को, कोई काम दे दिया, भैया 3 बच्चे हैं घर में, ए बी सी, ए को कहा गया उसने 12 दिन लगा दिए, बी को कहा गया उसने 15 दिन लगा दिए, सी को कहा गया सी ने पूरे 20 दिन लगाए। तो ये कह रहे हैं कि अगर ये तीनों मिलकर एक साथ कार्य करते तो कितना समय लगता। देखो तो इसमें वही ए प्लस बी प्लस सी का साथ में निकालना है हमें, तो कैसे होगा, जोड़कर होगा। तो ए 15, 20 और 12, 20, 12, 15, इनका एलसीएम लेंगे, 12, 15 और 20, 2 से डिवाइड करो कितनी बार होगा, 6 टाइम 15 एज इट इज, और ये 10 टाइम, 2 से करो 3, 15, 5। अब 2 से कोई डिवाइड नहीं होगा, 3 से करेंगे, 3 वन जो 3, 3 5 जो 15, 5 एज इट इज, 5 से कीजिए, 1 1 1, 2 2 जो 4, 3 जो 12, 5 जो 16। कोशिश का भी क्या है, एलसीएम 16 आ गया। अब देखिएगा ए, अब 12 60 को कितनी बार डिवाइड करेगा, 12 5 60, 15 4 बार, 20 3 बार। अब इसने ए प्लस बी प्लस सी, टोटल वर्क वही है 60 है, और 15 5 4 9 और 3 12 डिवाइड करेंगे इनको जोड़कर, 12 5 60, यानी कि अगर ये तीनों भैया मिलकर एक साथ कार्य करते केवल उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर सकते थे, 5 डेज में। चलिए अगला क्वेश्चन, ए व बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं। सी अकेला उस काम को 24 दिन में करता है। सी भी कोई है भाई, 2 मिलकर 12 दिन में कर रहे थे, तो बताओ तीनों मिलकर, सिंपल 12 और 24 का एलसीएम लेंगे, 12 और 24 का 24 आएगा, 12 24 को कितनी बार डिवाइड करता है, 2 टाइम 24, 24 को 1 टाइम। तो इसने कहा है ए प्लस बी प्लस सी, तो ए प्लस बी प्लस सी के लिए टोटल 24 और अपॉन में 2 प्लस 1, यानी कि 24 अपॉन 3, कितने टाइम, 8 टाइम, यानी कि ये कितने दिन लेते अगर ये तीनों मिलकर उस कार्य को करते तो हमें ओनली कितने दिन में कंप्लीट कर सकते थे, ये 8 दिन में। तो कैसी लगी भैया ये वीडियो, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। मैं आपको बहुत आराम से इजीली बहुत प्यार से क्लास चलेगी हमारी, ये मैं आपको बहुत स्लो स्लो पढ़ाऊँगा, धीरे धीरे हम सीख जाएंगे, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक है, थैंक यू।